सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो दोस्तों कैसे आप उसकी पासबुक को अपने मोबाइल में देख सकते हो और वो भी पूरी डिटेल के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने ट्रांजैक्शन की एंट्री कराने के लिए बैंक जाते हैं अपनी पासबुक में एंट्री कराने के लिए, तो दोस्तों हमें वहाँ पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बैंक में भीड़ होती है या फिर जो एंट्री करने की मशीन होती है वो काम नहीं कर रही होती, तो दोस्तों ऐसे में हमारी जो पासबुक होती है उसमें हमारी एंट्रियाँ नहीं हो पाती हैं। तो दोस्तों इससे हमें पता नहीं लग पाता है कि हमने कितने ट्रांजेक्शन किया है, कितने लेन देन किया है, कहाँ पे किया है, कैसे किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी HDFC बैंक की पासबुक को अपने मोबाइल में देख सकते हो और वो भी दोस्तों पूरी डिटेल के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने जितने भी लेन देन किए होंगे, जो भी ट्रांजेक्शन किए होंगे, वो सारे ट्रांजेक्शन आपके मोबाइल में शो होंगे। और दोस्तों आपने कहाँ पे किए थे, कैसे किए थे, कितने पैसे सेंड किए थे, कितने पैसे मंगाए थे, वो सारे ट्रांजेक्शन की डिटेल दोस्तों आपके मोबाइल में पूरी डिटेल के साथ शो होगी, जिससे आपको आसानी से पता लग सके कि आपने जो ट्रांजेक्शन किया है, जो ट्रांजेक्शन आप देख रहे हो, जिसकी डिटेल आप अपने मोबाइल में चेक कर रहे हो, वो आपने वास्तव में किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा तरीका है। आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको दोस्तों क्या क्या तरीका अपनाना है। और दोस्तों दूसरा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों क्या होता है, मेरी कई वीडियो हैं HDFC बैंक के ऊपर जिस पर दोस्तों काफ़ी व्यूज हैं, लेकिन जितने व्यूज हैं उस हिसाब से मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है। क्योंकि दोस्तों लोग क्या करते हैं कि वीडियो को देख लेते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे थोड़ी आपकी हेल्प मिल जाएगी। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं आपको मेन टॉपिक ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है और कैसे आप अपने मोबाइल में अपनी HDFC बैंक की पासबुक को देख सकते हो और उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी HDFC बैंक की एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। मेरे में दोस्तों फिंगरप्रिंट का और MPIN का आ रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसे सेट किया हुआ है। फिंगरप्रिंट और MPIN कैसे सेट करते हैं इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट उसे देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये बैलेंस दिख रहा है, आपको इसके नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा सेविंग अकाउंट का। तो दोस्तों आपको इस सेविंग अकाउंट लगा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे, शो अकाउंट डिटेल का, शेयर अकाउंट डिटेल का, लेकिन दोस्तों उसके नीचे आ रहा है स्टेटमेंट का, आपको इस स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए होंगे वो सारे यहाँ पर शो होंगे। और दोस्तों साथ में उसकी डिटेल भी शो होगी कि आपने जो ट्रांजेक्शन किया है वो कहाँ पर किया है और किस वजह से किया है। सारे ट्रांजेक्शन दोस्तों आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे, जिससे आपको आसानी से पता लग जाएगा कि आपने जो ट्रांजेक्शन किया है वो सच में किया है या नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम अपने ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड अपने पासबुक पर बैंक से करवाने जाते हैं तो दोस्तों उसमें एंट्री तो हो जाती है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनको दोस्तों हम अपनी पासबुक में प्रिंट कराने के बाद भी नहीं पता लगा पाते कि जी हमने कब किया था और क्यों किया था, क्योंकि दोस्तों उस पासबुक में जो डिटेल होती है वो हमें ठीक से समझ नहीं आती है। तो दोस्तों इसमें आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो वो यहाँ पर सारे शो होंगे और दोस्तों आपके ट्रांजेक्शन यहाँ पर तब तक के शो होंगे जब से आपने अपना अकाउंट ओपन किया होगा, यानी दोस्तों प्रेजेंट से ले गए और जब आपने अकाउंट ओपन किया था तब तक के ट्रांजेक्शन आपके इस स्टेटमेंट पर शो होने लगेंगे, और वो भी पूरी डिटेल के साथ कि आपने किस तारीख को किया था और दोस्तों किस वजह से किया था, आपने जो पैसे भेजे थे किसी को या फिर कहीं से मंगाए थे, वो सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा तरीका है कि आप अपनी पासबुक को अपने मोबाइल में देख सकते हो बिना ब्रांच आए और बिना दोस्तों उसमें एंट्री करवाए। क्योंकि दोस्तों ये जो M-पासबुक है, जिसे हम मोबाइल पासबुक बोलते हैं, इसे दोस्तों आप कभी भी देख सकते हो और बिना प्रिंट के देख सकते हो। इसमें आपको कोई प्रिंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको दोस्तों इसका कोई चार्ज देना है। दोस्तों काफ़ी अच्छा तरीका है ये,
आपकी पासबुक आपकी मुट्ठी में ही रह सकती है, यानी कि अपने मोबाइल में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये तरीका है अच्छे समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपने मोबाइल में अपनी HDFC बैंक की पासबुक को देख सकते हो और उसे हमेशा अपने मुट्ठी में रख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो पासबुक होती है उसमें हमारी एंट्रियाँ ठीक से नहीं हो पाती, या फिर कई बार तो क्या होता है कि हमारी जो पासबुक होती है दोस्तों वो भर जाती है और हमें दूसरी अप्लाई करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें कुछ पैसे भी पे करने होते हैं। लेकिन दोस्तों जो पासबुक है जो हमने मोबाइल में देखी है, इस मोबाइल पासबुक में दोस्तों हमारा कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और दोस्तों ना ही हमें बैंक में एंट्री कराने के लिए जाना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल में सारी एंट्रियाँ देख सकते हो पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।